हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स अपने लिए एक इफेक्टिव रिज्यूमे बना सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं रिज्यूमे के टॉप से रिज्यूमे के टॉप पर देखिए कैंडिडेट यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर सकता है अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर सकता है अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकता है अगर उसने लिंक प्रोफाइल बनाई है जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू मैक्सिमम कैंडिडेट्स अपने लिए जॉब सर्च करते हैं आप चाहें तो उसका लिंक यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अपनी लोकेशन भी मेंशन आप यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर अपना फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना प्रोफेशनली क्लिक्ड फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं आइए फोकस करते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव पे तो देखिए कर, करियर ऑब्जेक्टिव में कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है ग्रेजुएट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ईगर टू अप्लाई माय स्किल्स इन मीडिया कंटेंट क्रिएशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एफेक्टिवली इन अ डायनेमिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वेर आई कैन एनहैंस माई प्रोफेशनल स्किल्स वाईल कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट ने बहुत क्लियरली ये मैंशन किया हुआ है कि वो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट है और वो जो अपनी स्किल्स हैं उन्हें अप्लाई कर सकता है या करना चाहता है मीडिया कॉन्टेंट क्रिएशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने यह भी मैंशन किया हुआ है कि वो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहा है uh, एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूटिलाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए तो कुछ इसी तरीके का स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव आप भी लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव के बाद दोस्तों फोकस करते हैं की स्किल्स पे तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी की स्किल्स मेंशन की हुई है जहां पर उसने मेंशन किया हुआ है स्ट्रॉग राइटिंग एंड एडिटिंग स्किल्स फॉर प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है प्रोफिशेंसी इन कॉन्टेंट क्रिएशन स्टोरी टेलिंग एंड मल्टीमीडिया प्रोडक्शन Excellent research and uh, investigative journalism skills, social media management and content optimization, expertise in Adobe uh, Premiere, Final Cut Pro, familiar with Canva, Adobe Photoshop, proficiency in MS Office, ability to work under tight deadlines. एंड लास्ट पर नॉट द लीस्ट यहाँ पर कैंडिडेट ने मैंशन किया हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पर की स्किल्स में कैंडिडेट ने अपनी टेक्निकल स्किल्स का भी एक हिंट दिया हुआ है जहाँ पर उसने एडोबी प्रीमियर कैनवा एडोबी फोटोशॉप की बात की हुई है इसके अलावा उसने बताया है कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड उसके पास में कौन सी रेलिवेंट स्किल है तो इस की स्किल एग्जाम्पल से रेफरेंस लेके आप भी अपने रिज्यूमे में अपनी की स्किल्स को मैंशन कर सकते हैं दोस्तों रिज्यूमे में की स्किल्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करने के बाद फोकस करते हैं प्रोजेक्ट पे आप मान के चलिए ये एकेडमिक प्रोजेक्ट है जो आप अपनी पढ़ाई के दौरान करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया हुआ है प्रोजेक्ट का टाइटल जहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आ, लाइफ ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन ए, आ, इंडिया यहाँ पर देखिए उसने ईयर भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर उसने फिर की रोल्स मेंशन किए हैं जहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है वर्कड एज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर द ट्वेंटी मिनट डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर देखिए कैंडिडेट ने ये भी मेंशन किया हुआ है कंडक्टेड इंटरव्यूज विद स्ट्रीट वेंडर्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर डेली स्ट्रगल एडिटेड एंड कंपाइल्ड वीडियो फुटेज यूजिंग एडोबी प्रीमियर द डॉक्यूमेंट्री वॉज फीचर्ड इन द कॉलेज एनुअल मीडिया फेस्टिवल एंड रिसीव्ड पॉजिटिव रिव्यूज तो देखिए अगर आप एकेडमिक प्रोजेक्ट लिखते हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ये एक सैम्पल है यहाँ पर याद रखिए कि अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो बस केवल यह मत मेंशन किए कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या था ट्राई टू एक्सप्लेन इट कि आपने उस प्रोजेक्ट के दौरान किया क्या तो यह एक बेहतर तरीका हो सकता है इसी से रेफरेंस लेके अगर आप चाहें तो इंटर्नशिप डिटेल भी लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में सेम फॉर्मेट पर अब देखिए प्रोजेक्ट की स्किल्स और करियर ऑब्जेक्टिव के बाद एक नज़र डालते हैं सर्टिफिकेशन पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने सर्टिफिकेशन का डिटेल मेंशन किया है जहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये ब्लैंक कॉलम दे रखा है यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम मैंशन कर सकते हैं जहाँ से आपने अपना सर्टिफिकेशन कम्प्लीट किया उसके बाद आप देख सकते हैं ईयर मैंशन किया गया है उसी तरीके से वीडियो एडिटिंग सर्टिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है और कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है आप देख सकते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है जहाँ पर सबसे लेटेस्ट ईयर सबसे पहले आ रहा है तो मतलब जब भी आप अपने रिज्यूमे में ये डिटेल लिखें तो सबसे लेटेस्ट ईयर को सबसे पहले मैंशन करें ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में अपने इन्फॉर्मेशन को रिवील करना अपने रिज्यूमे में तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेशन डिटेल लिख सकते हैं और जहाँ पर ये ब्लैंक कॉलम है वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का नाम मैंशन कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के बाद दोस्तों फिर फोकस करते हैं रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का डिटेल दिया है जहाँ पर उसने मेंशन किया है कि वो एडिटर इन चीफ रहा है अपने कॉलेज के न्यूज़लेटर के लिए आ, और यहाँ पर देखिए उसने मेंशन किया हुआ है उस न्यूज़लेटर का नाम कॉलेज क्रॉनिकल्स ईयर मेंशन किया है टू थाउजेंड इसके अलावा उसने देखिए मेंशन किया है कि वो वॉलेंटियर रहा है ए बी में फॉर मीडिया आउटरीच एंड इवेंट कवरेज यहाँ पर भी देखिए उसने मैंशन किया है टू से टू इसके बाद उसने मैंशन किया हुआ है एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इंटर कॉलेज डिबेट्स एंड मीडिया रिलेटेड वर्कशॉप्स यहाँ पर भी उसने ईयर मैंशन किया है. इसके अलावा अगर आपका कोई स्पोर्टिंग अचीवमेंट हो एनसी सर्टिफिकेशन हो या कुछ भी और उसे आप मेंशन कर सकते हैं सकते हैं यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल रखने के लिए मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेंशन की है वो उसके कोर्स से ही रिलेटेड की है आप चाहे उसमें तो फर्दर एड इन्फॉर्मेशन एड कर सकते हैं इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन की है जहां पर उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रखा है यहां पर एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया गया है एक सैंपल एक डमी है आप यहां पर अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं ईयर मेंशन किया गया टू

और लास्ट में आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप एक इफ़ेक्टिव रिज्यूमे फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपने रिसेंटली मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उस कैंडिडेट से ज़रूर शेयर करिएगा जिसने रिसेंटली मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स किया है और अपने लिए एक बेहतर रिज्यूमे बनाना सीखना चाहता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो